अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम राज्य से सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन और देश को एक बड़ी योजना आयुष्मान भारत इसके माध्यम से करोड़ों लोगों के आशा एक मुफ्त इलाज योजना इतने बड़े कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम की यहां के प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन योजना के अंदर हरियाणा के सभी 22 जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं। हर राज्य में एक कार्यक्रम राज्य स्तरीय इस नाते से इसका आयोजन हो रहा है। कुछ ही बातें उसमें मुझे जोड़ गई है। ये तो आपको ध्यान में आता है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आज देश में उनके बराबर का उनकी सानी का कोई नेता ऐसा नहीं है जिनका इतना बड़ा विजन हो। 4 साल में इतनी योजनाएं और उस योजनाओं में भी क्या क्या एकदम सीधी सी प्राथमिकता देश प्राथमिकता समाज प्राथमिकता में भी गरीब वर्ग जो है वो प्राथमिकता कि कैसे समाज को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए ली जाए कैसे मूलभूत आवश्यकता है उनको पूरा किया जाए चाहे वो आवास की योजना है हर उसको दो का उपलब्ध कराया जाए कैसे आज ये योजना शुरू हुई कि हर व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है जिसका इलाज के अंदर जिसकी कमर टूट जाती है आजकल महंगे इलाज हो गए हैं सरकारी इलाज हर कोई करवाने में कभी कभी विश्वास नहीं रखता तो उसको लगता है कि प्राइवेट किसी अस्पताल में जाकर के मेरा इलाज और बढ़िया हो सकता है वहां जिस प्रकार का खर्चा आता है उसकी कमर टूट कर्ज में दब जाता है परिवार अपनी जायदाद को भी कभी कभी बेच देता है क्योंकि जिसका करवा रहा है वो उसका कोई है उसको पता होते हुए भी कई बार लाइलाज बीमारी होती है डॉक्टर भी कह देते हैं कि भाई इसकी सेवा कर लो जितने दिन करनी है लेकिन उस सेवा के काल में भी अपनी पूरी क्षमता से पूरा पैसा लगाकर कहीं से भी विरोध करता उसका इलाज कराता है। ऐसे लोगों को सहारे के रूप में ये योजना मिली है आज आयुष्मान भारत। हरियाणा में भी हजारों को यह लाभ मिलने वाला है तो ये लाभान्वित होंगे। परिवार छोटा हो चाहे बड़ा हो हर परिवार को वार्षिक 5 लाख रुपए तक की का सहयोग की सहायता से मिलने वाली है। ये आधार है इसके लिए 2011 का जो SECC डाटा यानी सामाजिक आर्थिक गणना के आधार के ऊपर जो 7 ऐसी 7 डेफिनेशन या ऑटोमेटिक इंक्लूजन ये 8 कैटेगरीज है उसमें जो उसकी श्रेणी में आता है उनको इसका लाभ मिलेगा। ये भी हो सकता है कि इन 7 वर्षों में कुछ पारिवारिक स्थितियां बदल गई हो आर्थिक स्थिति बदल गई हो अच्छी भी हो सकती है कमजोर भी हो सकती है लेकिन अभी तो चूंकि PCA के आधार पर इस योजना बननी थी तो केंद्र सरकार ने योजना यही बनाई है कि 2011 का जो डाटा उसमें जो परिवार हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। हम जरूर ये सोचते हैं कि हरियाणा में हम इसका विस्तार करेंगे लेकिन अभी उसकी योजना बन रही है एक योग्य समय पर उसमें कुछ और कैटेगरीज भी जोड़े जाने की संभावना है जैसे हमारे मजदूर वर्ग है रजिस्टर्ड मजदूर जो है ऐसे रजिस्टर्ड मजदूर वास्तव में जो मजदूरी करते हैं बिल्डिंग के जो हमारे एक वर्कर्स बोर्ड है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड उसके अंदर आज 5.5 लाख ऐसे वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। हो सकता है ऐसे वर्कर्स उसमें ना हो या इसी प्रकार श्रेणी में गरीब BPL के लोग हैं लेकिन SECC में है क्या नहीं है ऐसे BPL वर्ग को भी इसमें जोड़ा जाएगा या कुछ नई श्रेणियां ऐसी आ सकती हैं जैसे हमने विचार किया है कि जो इमरजेंसी के पीड़ित ऐसे हमारे कुछ बुजुर्ग हैं 75 से 77 के बीच में जेलों में जो गए ऐसे लोगों को हमने 10,000 रुपया
पेंशन भी दी है, मासिक पेंशन, वो परिवार की संख्या में जितने भी होंगे उनको भी इसमें उस कप्पन को जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार कुछ परिवार ऐसे हैं बहुत पहले के हैं, यानी ऐसे आंदोलन जो हमारे देश के नाते से, प्रदेश के नाते से ऐसे ऐसे आंदोलन हुए हैं जिनका बहुत बड़ी भूमिका रही है, जैसा हिंदी आंदोलन, इसका एक बहुत बड़ी भूमिका अपने यहां रही। तो उसके भी समय के कुछ परिवार ऐसे हैं जैसे पति पत्नी, उनको भी इसमें जोड़ा जा सकता है। कुछ बहुत कम संख्या में द्वितीय विश्व युद्ध, उसके भी जो सेनानी है वो भी यहाँ है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट में सुभाष चंद्र बोस की जो सेना बनी थी INA के लोग, वो भी आज इसमें हैं। तो इस प्रकार से ऐसी कुछ श्रेणियां जो हमारे ध्यान में आती हैं, इनको बाद में जोड़ा जाएगा। तो ये जो योजना है ये बहुत अच्छे कारगर ढंग से इसको आगे बढ़ाया जाए, और इसके माध्यम से जितने भी परिवार, उनका जो सिस्टम है वो उनको ट्रेनिंग होंगे, जितने सरकारी मेडिकल सरकारी अस्पताल हैं और जितने प्राइवेट अस्पताल हैं जो इसके अंदर जिनको एनलिस्ट किया गया है, उनकी संख्या भी बताई है, शायद 230 अस्पताल हैं हरियाणा के, 72 सरकारी हैं और 158 ये प्राइवेट अस्पताल, इनको जोड़ा गया है। तो इन सब अस्पतालों में, और इसी प्रकार से जैसे प्रधानमंत्री मित्र, प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र, तो ये योजना भी इसमें भी कुछ लोगों को भर्ती कर लिया गया है, 184 लोगों को इसमें अभी भर्ती किया गया है और भी इसके अंदर आगे बढ़ाई जाएगी। जैसा दूसरा विषय आया है वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का भी प्रिवेंटिव मेजर है ये, ताकि उनका उपयोग जनता को इसलिए हो, लोग बीमार ना हो। इलाज के भी कुछ विषय रखे गए हैं, सब सेंटर्स को हेल्थ एंड ये सेंटर बनाया गया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, साथ में PHCs, अर्बन PHCs को भी कुछ को जोड़ा गया है, ताकि इसकी संख्या भी अधिक से अधिक बढ़े, इसका विस्तार हो, लोगों को इस प्रकार से प्रिवेंटिव बातों के माध्यम से, योग के माध्यम से, या उनकी जो खाने पीने की हैबिट्स है उसके माध्यम से उनको अवेयरनेस, उनको जागरूक किया जाए, या क्लीनलीनेस या हाइजीनिक इस प्रकार के इश्यूज जिसके माध्यम से समाज में कोई व्यक्ति बीमार होने से बचे, तो इस प्रकार के वेलनेस सेंटर्स का भी अपना एक उपयोग कर किया जाएगा। तो आज कुल मिलाकर के एक ऐसा विषय, जब ये कहा जाता है हमारा एक, जिसको इतिहास में कहा जाता है कि हमारा समाज मान्यता ऋषियों की क्या थी, यहाँ पढ़ाई और दवाई इस पर किसी का खर्च नहीं होना चाहिए, ये मुफ्त होनी चाहिए। आज सरकारी जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उनके अंदर पढ़ाई हमारे यहाँ फ्री है, सरकारी अस्पतालों में भी फ्री है, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ गए हैं कि जहां कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोई इलाज कराता है उसको भी गरीब आदमी को मुफ्त इलाज मिले, दवाई उसकी फ्री हो, तो इस ओर हम आगे बढ़े हैं। इस अवसर पर मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक योजना जो वास्तव में ही 6 महीने पहले जिस योजना को कंसीव किया गया और 6 महीने के अंदर अंदर पूरे जितने भी स्वास्थ्य विभाग के हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे प्रदेशों में है चाहे केंद्र में है, सबने मिलकर के इसको योजना को शुरू किया गया। पायलट योजना हमने भी 15 अगस्त से यहाँ शुरू की थी और 1 महीने में 6,700 लोगों ने उसमें लाभ उठाया है, 6,700 लोगों ने तो अब तक लाभ उठाया है, लेकिन उन 6,700 ने जो लाभ उठा लिया है अब अगला जो वर्ष है उसके अंदर उस लाभ को अलग रख दिया जाएगा, जो लाभ लेंगे आज से, वो जो 5 लाख की योजना है इसको आज से अगले एक वर्ष को इसको मान लिया तो शुरू किया जाएगा, और या फिर इसका कुछ पार्ट जो है 31 मार्च का फाइनेंशियल का कोई लाभ लगाया जाएगा, लेकिन इस समय तक का जो लाभ है वो इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, वो पायलट प्रोजेक्ट के नाते 6,700 लोगों को लाभ इसमें मिला है वो इसमें आज इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो आज इस अवसर पर मैं बहुत ही सब लोगों को शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की योजना शुरू की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, प्रदेश की जनता को नई सौगात देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आज इस मुख्यमंत्री से उस परिवार को सम्मानित किया जाएगा जिसे देश में ये आरोग्य धन योजना का लाभ लेने का प्रथम बार ये मौका मिला है। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ मौसमी देवी, वाइफ ऑफ अमित,
वे मंच पर आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय, स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूं कि मौसमी देवी वाइफ ऑफ अमित कुमार को इस मंच से सम्मानित करने की कृपा करें। इन्हें आयुष्मान भारत की ओर से 21,000 रुपए की राशि का नगद चेक और समृद्धि चिन्ह के रूप में उस बेटी के लिए वस्त्र और खिलौने आज आयुष्मान भारत की ओर से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब गोल्डन ई कार्ड उपस्थित अधिकारियों, गणमान्य भाइयों,
श्री हरि बिंद उपस्थित भाइयों, पत्रकार भाइयों एवं छायाकार भाइयों, उपस्थित सभी हमारे श्रोतागण, विधायकगण एवं उपस्थित सभी लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हरियाणा की टीम में भाग लेने का अवसर मिला, इसके लिए मुझे प्रसन्नता है। आज हरियाणा देश एवं शहीद दिवस है। मैं इस अवसर पर देश के आम काम को करने वाले हरियाणा के साथ जीवन में एक शुभकामना चाहता हूँ। वीर एवं शहीदों को सत सत नमन करता हूँ। मैं अपने छात्र जीवन में एक कहावत पढ़े थे, उसका नाम है साउंड माइनिंग एंड साउंड बॉडी, साउंड माइनिंग एंड साउंड बॉडी। इसका अर्थ होता है कि जो शरीर स्वस्थ है उसमें समस्त जीवन का स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने, मुख्यमंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने और भी हमारे जो भी भ्रष्टाचार आंसू चलते रहे थे उसमें सारी बातों का उन्होंने उल्लेख किया है। और मैं हरियाणा के राज्यपाल होने के नाते इनमें थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जितनी बातें लोगों ने कर दिया कोई शेष बच नहीं रह गया। लेकिन मैंने जो प्रोग्राम सुनाया उसे मैं कहना चाहूंगा, देश के लोग स्वस्थ रहेंगे देश तरक्की करेगा। जब स्वस्थ आप अभी कुछ काम है दुनिया में सारी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन माफी जो दाम होगा देश के 130 स्वास्थ्य की चिंता करते हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री से देश की आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े गरीब परिवारों को अधिक लाभ होगा। कल के अगले दिन 25 सितंबर को 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से जन्मदिन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकांकी विकास की बात की थी और उन्होंने अपने एकात्मानंद बाद में लिखा है कि वैसे लोग जो गरीब लोग हैं जिनके बाल बच्चा छोटे छोटे देहात में गांवों के अंदर में निवास करते हैं पर निर्वस्त रहते हैं, वैसे लोगों के चिंता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। हमारे प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक विकास की चिंतन किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अंत्योदय कार्यक्रम चलाया था। इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम चलाया। उनका कहना था अंत्योदय कार्यक्रम, अंत में जो व्यक्ति है उसको आगे के लिए उत्थान करना, ये हमारे अंत्योदय कार्यक्रम की। इसलिए हम चाहते बंधुओं की जो चिंतन हमारे लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया, अब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, ये सब लोगों का निष्कर्ष यही है कि गरीबों का उत्थान होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चलाया, जिसको कि आपने सुना, और इससे अधिक कहने की कोई आवश्यकता मैं नहीं मानता, क्योंकि
वापसी का जो जन्म हुआ कि ये हरियाणा की रहने वाली लड़की, इसे हरियाणा के भी गौरव आगे बढ़ाएं। और मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज कल्पना दादली, इसका नाम रहा है कल्पना, बच्ची का सीजेरियन से जन्म हुआ, उस बच्ची को रत्ना का नाम मिला। इस बच्ची का नाम करिश्मा है, तो आज समारोह में उपस्थित मैं करिश्मा के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की सफलता के लिए कामना करता हूँ। इस योजना का 100% लाभ इस प्रदेश में पूरी तरह कहकर शुरुआत है, और इस योजना का जो परिवारों में चिन्हित किया गया है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा बंधु कि कार्यक्रमों में योजनाओं की भी सफलता सफल लागू किया है। हरियाणा की सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाया और आज तक हरियाणा जो है ना एक नंबर राज्य में आया। ये करिश्मा जो पैदा हुई ना, इससे भी हरियाणा का गौरव आगे बढ़ा, जिसको अभी हमारे मुख्यमंत्री ने गोद लेकर के फोटो खींचा और उन पर इनाम मिला। मैं कहने इससे चाहता हूँ कि यहाँ के नागरिक बहुत उत्साहित हैं, शिक्षित भी हैं, और सब लोगों ने अच्छी तरह से राज्य को चढ़ाए। हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, जो कि उन्होंने बहुत कहने का समय नहीं मिला, जबकि टीवी पर मैं सुन रहा था कि रांची का मुख्यमंत्री ने अपने सारे राज्य के बारे में जितने काम किए थे उसका उल्लेख किया प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन समय के अभाव में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातों को नहीं कहा, लेकिन मैं तो थोड़ा ही दिन से आया हूँ आपसे, लेकिन उसको मैंने कुछ देखा और पढ़ा तो मुझे लगा कि हरियाणा राज्य बहुत गर्वशाली राज्य, यहाँ वीर सपूतों के लिए भी है और यहाँ व्यवसायियों के लिए है, गरीब या मजदूरों की तरक्की की सारी चीजें लागू करेगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा भाइयों, हरियाणा के जितने हमारे बंधु हैं आज हमारे साथ हैं, पर सुन आपके ताकत में भाग ले रहे हैं, वो मिलजुल करके भारत की तरक्की के लिए हरियाणा को एक नंबर पर रखिए। और मुझे भी इस बात का गौरव मिले, मेरे समय आने के बाद यहाँ बहुत तारीफ की, सफलता मिली। बस इतना ही कह करके मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बातचीत को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय जी। श्री आदर जवल जी से सर इस कार्यक्रम की यादगार माननीय मुख्य अतिथि महोदय विशिष्ट अतिथि के जहन में रहे तो एक समृद्ध दिन अपने विभाग की ओर से भेंट करें। सबसे पहले मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि सर ACS श्री आर आर जोल द्वारा मोमेंटो देकर महामहिम राज्यपाल अभिनंदन एवं स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा सरकार से भी अनुरोध कि आज के मौजूद मेहमान महामहिम राज्यपाल महोदय को एक मोमेंटो देकर उनका मान सम्मान किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मोमेंटो भेजकर मान सम्मान करेंगे। ऐसे मिसाल से भी अनुरोध कि माननीय मुख्य अतिथि मंत्री श्री मनोहर लाल जी को और से ये समृद्ध दिन भेंट करें। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री परम आदरणीय श्री अनिल विज जी को भी एक ये भेंट करेंगे। श्री आर आर जोल जी,
डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं, ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार को मोमेंटो भेंट किया है। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आदरणीय श्री आर आर जोवल एसीएस साहब से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपना उद्बोधन दे। परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, परम आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मंच पर बैठे हुए प्रतिष्ठित माननीय स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल एजुकेशन विभाग के सभी पदाधिकारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, आयुष्मान जो ये प्रोग्राम है इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वेलनेस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की मैनेजिंग डायरेक्टर, एनएचएम मैनेजिंग डायरेक्टर, सभागार में बैठे हुए सभी प्रतिष्ठित भाइयों बहनों, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर और सभी डॉक्टर्स और हमारे विभाग से आए हुए आशा वर्कर्स, एएनएम वर्कर्स, विभाग के सभी मौजूद सर, मैं अपने विभाग की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मंत्री महोदय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। देश में इतनी बड़ी सी, वैसे तो ये 15 अगस्त को लागू हो गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन इसका सही में, इसका सही रूप जो है ना वो पूरे देश में आज उभर के आया है। और मैं भी ये बताना चाहूंगा